भ्राता भीम आपके लिए बहुत ही उत्तम खीर बनवाई है। केसर, कस्तूरी और जावंत्री से सुगंधित। आपको भूख लगे तो अवश्य बता देना। नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। अरे जैसी आपकी इच्छा। वैसे खीर शीतल हो जाने के बाद शायद उतनी स्वादिष्ट न लगे। नकुल, सहदेव, चलो खाना खाते। अभी से कौन खाना खाएगा? हाँ भ्राता भीम, हमें भूख नहीं है। एक गूंगा ना लगा के भूख लग जाएगी। जेश भ्राता, भ्राता भीम हमें भूख लगा रहे हैं। भीम, यदि तुम्हें भूख लगी हो तो तुम जा सकते हो। पधारिये भ्राता भीम, वो केसर युक्त खीर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए भ्राता भीम, अनेक पकवान निर्मित करवाए हैं आपके लिए। नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ ही भोजन करूंगा। मैं भी तो आपका भाई हूँ ना भ्राता भीम। जेष भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और नकुल सहदेव के बिना तो मैं कभी भोजन नहीं करता। अर्थात आपको मुझ पर विश्वास नहीं, भय है कि मैं आपको मलयुद्ध या गदा युद्ध में घसीट लूंगा। ये प्रमाण कोटि में एक साथ पर्यटन करने का आयोजन ही व्यर्थ हो गया यदि हम आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। ना जाने पितामह को क्या उत्तर दूंगा मैं। पितामह ने कहा था वास्तव में कि 5 और 100 का भेद तोड़ देना, किंतु यदि आपकी इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भोजन आरंभ करते, पूर्ण सबके साथ करें। चलिए। आप मूर्ख हैं राजकुमार, अज्ञानी हैं या कोई खेल खेल रहे हैं? क्या विचार करके आपने धनुष का त्याग किया? शेर पर वार क्यों नहीं किया आपने? यदि आपको कुछ हो जाता तो आपकी माता जीवन भर अश्रु बहाती। नहीं जाते आप? मुझे आपकी धनुर्विद्या पर पूर्ण विश्वास था, क्यों नहीं उठाया आपने धनुष? ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही केवल शस्त्र उठाने का अधिकार है? मध्य और नीची जाति को शस्त्र उठाने पर दंड प्राप्त होता है। तात्पर्य, वृक्ष की चोटी पर उगा पत्ता सूरज के ताप और वर्षा की मार को पीड़ा कहता है। जड़ों के अंधकार का अनुभव क्या कर पाएगा वो? आप तो स्वयं अपने सुख दुख में इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरों के जीवन का संघर्ष क्या देख पाएंगे आप? मेरे ताऊ का हाथ काट दिया था क्षत्रियों ने राजकुमार। केवल इसीलिए कि उन्होंने
धनुष का स्पर्श किया था। क्या आप मेरा मस्तक कटा देखने की आशा से मुझसे धनुष का स्पर्श करवा रहे थे? मुझे क्षमा कर दीजिए कर्ण महोदय, मुझे वास्तव में इस बात का ज्ञान नहीं था। वन में जाति व्यवस्था के विषय में तो ज्ञान प्राप्त किया था कि जाति कर्म पर आधारित है। नहीं राजकुमार, हस्तिनापुर में कर्म अब जन्म की जाति पर आधारित होता है। किंतु यह तो अन्याय है। अन्याय ही जीवन का सत्य है राजकुमार। बैठिए प्रताप भीम, मैं आपके लिए खीर परोसता हूं। क्या हुआ महारानी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे पुत्रों के साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है। भ्राता अर्जुन, भ्राता भीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भ्राता भीम, राजकुमार भीम, राजा भीम, राजकुमार भीम, राजा भीम, राजा भीम, भीम, राजा भीम, राजा भीम, भीम और दुर्योधन कहीं नहीं मिले। आप लोग उस ओर देखिए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। कितनी प्रतीक्षा कराओगे दुर्योधन? खीर शीतल हो जाने पर उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ये लीजिए। मैंने यदि भोजन आरंभ कर दिया तो दूसरे सब क्या खाएंगे? ये आपके लिए है भ्राता भीम, दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, आप खाइए। ये विचित्र प्रतीति हो रही है, इस खीर में क्या था? बहुत सारे पदार्थ थे
दूध, शक्कर, तांदूल, जावंत्री, जायफल, केसर, अनेक प्रकार के फल आदि थे। और बड़ी मात्रा में विष। शीघ्रता करो पुत्र, इसे उस जलाशय में डाल दो, शीघ्र चलो। चलिए राधा भीम, इस दिशा में आओ पुत्र। राजकुमार भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, राजकुमार भीम, राजकुमार भीम, भीम,
समग्र वन में ढूंढ लिया किंतु भ्राता भीम कहीं नहीं मिले। हमें भीम को ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.